हेलो वेलकम गाइस। तो कैसे हैं आप सब, आपको फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रोजगार इंडिया में। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एम्स भोपाल में भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। वेरियस पोस्ट निकाली गई है, 233 टोटल पोस्ट हैं। मेल एंड फीमेल दोनों ही कैंडिडेट आवेदन इसमें कर सकते हैं। अप्लाई आपको इसमें कैसे करना है, नोटिफिकेशन क्या है, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहें, वीडियो को आपको स्किप नहीं करना है। वीडियो पसंद आए से लाइक जरूर से कर दें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर से कर दें। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, रोजगार इंडिया के ऑफिशियल वेबसाइट पर हम आ चुके हैं। इस साइट का लिंक हमने अपने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। जैसे लिंक पर क्लिक करोगे सीधे इस पेज पर आ जाओगे। अब बात करते हैं नोटिफिकेशन पर, थोड़ा स्क्रॉल डाउन कर लेना है। ऑलरेडी जो मैं पहले ही नंबर पर आपको लिंक देखने को मिला होगा, आपको इस लिंक पर क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करोगे आप सामने न्यू पेज ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पर शॉर्ट इन्फॉर्मेशन दी हुई है, एक बार रीड जरूर से कीजिएगा। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस भोपाल की तरफ से वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें एप्लीकेशन फीस जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 1200 रुपए की है, एससी एसटी पीएच के लिए 600 रुपए की है। फीस आप ऑनलाइन जमा कर सकते हैं डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग के थ्रू। जो आपके ऑनलाइन आवेदन है वो 6 अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएंगे, लास्ट डेट 30 अक्टूबर 2023 है। तो उससे पहले आप आवेदन जरूर से कीजिएगा। एज लिमिट मिनिमम एज 18 साल है एंड मैक्सिमम एज 27 से 45 साल की है। वो पोस्ट वाइज है, आगे नोटिफिकेशन में आपको बताएंगे। टोटल जो पोस्ट है वो 233 निकाली गई हैं। पहले नंबर पोस्ट नेम पर बात कर लेते हैं, स्टोर कीपर कम क्लर्क के लिए 85 पोस्ट है। 62 डिग्री आपकी इसमें क्वालिफिकेशन मांगी है और एज जो है आपकी अप टू 30 ईयर्स की इसमें मांगी गई है। ऑफिस ऑब्लिक स्टोर अटेंडेंट के लिए 40 पोस्ट हैं। 10वीं पास में आपकी क्वालिफिकेशन है, आईटीआई मांगी है, मैक्सिमम 30 साल की एज इसमें रखी गई है। लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए देख सकते हैं 32 पोस्ट हैं। 12वीं पास आपकी इसमें क्वालिफिकेशन है, इंग्लिश और हिंदी की टाइपिंग भी आपकी मांगी गई है। स्टेनोग्राफर एस के लिए 34 पोस्ट हैं, 12वीं पास इसमें क्वालिफिकेशन है। ड्राइवर के लिए 16 पोस्ट हैं, 10वीं पास आपकी इसमें क्वालिफिकेशन मांगी है। जूनियर वार्डनर के लिए देख सकते हैं 10 पोस्ट हैं, इसमें आपकी 62 डिग्री इसमें क्वालिफिकेशन मांगी है। एज जो लिमिट है वहां पर देख सकते हैं 30 से 45 साल की है। नेक्स्ट बात करते हैं, देख सकते हैं डिसीशन हॉल अटेंडेंट के लिए 8 पोस्ट हैं, 12वीं पास आपकी इसमें क्वालिफिकेशन मांगी गई है। अपर डिवीजन क्लर्क के लिए देख सकते हैं इसमें 2 पोस्ट निकाली गई हैं, 62 डिग्री है। डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए 2 पोस्ट हैं, 12वीं पास आपकी इसमें क्वालिफिकेशन मांगी गई है। जूनियर स्केल स्टेनो के लिए 1 पोस्ट है, 12वीं पास में क्वालिफिकेशन है। सिक्योरिटी कंप्लायर देख सकते जमादार के लिए 1 पोस्ट है, 12वीं पास क्वालिफिकेशन है। सोशल वर्कर के लिए 2 पोस्ट है, इसमें भी आपकी क्वालिफिकेशन 12वीं पास मांगी गई है। अब आते हैं सभी इंपोर्टेंट लिंक्स पर। लिंक्स में आपको अप्लाई ऑनलाइन की देखने को मिला होगा, जो कि एक्टिव हो जाएगा 6 अक्टूबर को, तभी आप इसमें अप्लाई यहां पे कर सकते हैं। सेकंड नंबर नोटिफिकेशन, नोटिफिकेशन के लिए आपको क्लिकर पर क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करोगे आप सामने ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगा। ये सभी पोस्ट यहाँ पर दिखाई गई है, जिनके बारे में हम वीडियो में आपको बता चुके हैं, यहाँ पर सब दिया हुआ है। तो एक बार अप्लाई करने से पहले नोटिफिकेशन को भी रीड जरूर से कीजिएगा। ऑनलाइन आवेदन 6 अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएंगे एंड लास्ट डेट 30 अक्टूबर 2023 है। ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट के लिंक आपको रोजगार इंडिया वेबसाइट पर मिल जाएगा। वहां से हमने आपको बताया था कैसे आपको इसमें अप्लाई करना है। तो जैसे ही फॉर्म ओपन हो जाए वहां से स्लिप पर क्लिक करके आप सिंपली अप्लाई इसमें जरूर से कीजिएगा। जो जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स इसमें आवेदन करना चाहते हैं वो एक बार अप्लाई करने से पहले नोटिफिकेशन को भी रीड जरूर से कर लें। तो आज के लिए वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नए अपडेट के साथ किसी नए वीडियो में। ऐसे ही चैनल पर बने रहिए, प्यार देते रहिए, हम आपके लिए नए नए रोजगार के वीडियो लाते रहेंगे। ये वीडियो पसंद आए इसे लाइक जरूर से कर दें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर से कर दें।